नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजियाना न्यूज। मैं शेखर उपाल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। आदि शंकराचार्य ने चार धाम की यात्रा कर जनमानस को एकता से जोड़ने का अभियान चलाया था। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एकात्म यात्रा का चार जगह से एक साथ शुरू किया गया, जिसमें अमरकंटक, ओंकारेश्वर, उज्जैन और केरल शामिल है। वहीं कल शाम एकात्म यात्रा गुना पहुंची, जहां पर उसका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही लक्ष्मीगंज में एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शासकीय मशीनरी का खुलकर उपयोग किया गया। वहीं लोगों में जागरूकता की कमी के चलते कुर्सियां भी खाली पड़ी देखी गईं। आयोजकों ने जितनी उम्मीद की थी उतने लोग यहां पर कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे। हालांकि एकात्म यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन काफी मुस्तैद दिखा। ऐसे संत समागम के दर्शन हम लोग बड़े सौभाग्य से होते हैं। कभी कभी मैं ऐसे जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले लोग जन्म लेते हैं, जो गुनाह ही नहीं गुनाह से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना अपनी वाणी का संत देखिए, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। एक अनुशासन का जीता जागता दृश्य देखिए। यात्रा का यही उद्देश्य है कि भगवान शंकराचार्य का जो अद्वैत का सिद्धांत है, जो एकात्म भाव का सिद्धांत है, और जातिवाद को मिटाकर और मनुष्य को किस द्वारा जीना चाहिए, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का जो संदेश है, उसको एकात्म भाव के साथ में जो 108 फीट की मूर्ति ओंकारेश्वर में बनने वाली है, उसके संदेश को लेकर और धातु संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। और 22 जनवरी को ओंकारेश्वर में इस यात्रा का भूमि पूजन होगा और भगवान शंकराचार्य की 108 फीट की मूर्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। शनि मंदिर मेडिकल बगीचा श्रीराम कॉलोनी में बहेगी ज्ञान की गंगा। पिछले 9 वर्षों की भांति इस वर्ष भी यहां पर भागवत कथा का आयोजन एवं वाचन किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि इसमें दीदी साध्वी लक्ष्मी नारायणी जी के मुखारविंद से कथा का रसपान किया जाएगा। बताया गया कि साध्वी दतिया की रहने वाली है और पिछले कई वर्षों से भागवत कथा का प्रचार एवं वाचन कर रही है। उक्त कथा का आयोजन दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किया जाएगा। आयोजकों ने अपील की है कि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस कथा को सुनने के लिए पहुंचे। साथ ही इसी तारतम्य में आज विशाल कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूरी पर बसा गांव पिछले 4 वर्षों से अंधेरे में जीने को मजबूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गांव में पिछले 4 साल से कोई भी बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है। यहां खंबे तो है पर उनमें करंट नहीं आता। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने कई बार विद्युत विभाग में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई, साथ ही जिला कलेक्टर को जनसुनवाई के माध्यम से गुहार लगाई। इसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई आज तक नहीं हो पाई है। इन्हें मिलते हैं तो सिर्फ कोरे आश्वासन। बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो इस गांव में पहले 20 से 22 बच्चे हर साल पास होते थे। वहीं आलम यह है कि अब बमुश्किल एक बच्चा ही पास हो पाता है, वो भी हर बार नहीं। अगर बात करें दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों की, जैसे कि पानी, तो पानी की यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तौर पर कुएं और हैंडपंप होते थे, वो भी सूख गए हैं। महिलाओं को 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेके आना पड़ता है।
ना जाने कोई प्रशासन अपनी आंखें मूंद कर बैठा है, जिसे यहाँ की कोई भी परेशानियां दिखाई नहीं देती। ग्रामीणों ने बताया कि इस बार चुनाव का वे बहिष्कार करेंगे, साथ ही उनके क्षेत्र में यदि कोई चुनाव प्रसार करने आया तो वे उसे अंदर घुसने भी नहीं देंगे। साथ ही 3 तारीख को सीएम के आगमन पर भी ये लोग काले झंडे दिखाकर सीएम की सभा में पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। अब देखना ये होगा कि इन समस्याओं का निराकरण चुनाव से पहले हो पाता है या नहीं, या फिर चुनाव का बहिष्कार होगा। ये सर 4 साल से लाइट नहीं है, तो भी बिल बराबर गाँव में आ रहे हैं, और मैंने अलग ट्रांसफार्मर लगवाया मेरी खेती के लाने, फिर भी 12 घंटे की शिवराज सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, मुश्किल से बहुत मुश्किल 3 घंटे देते हैं लाइट, और वो भी 4 रोज तक नहीं देती हैं। मैं 15 रोज में 1 बीघा को थेपाता हूँ मुश्किल से, 4 साल से ऐसी रखी है। आज जो अधिकारी लोग आए थे उन लोगों ने क्या उन्होंने जी आश्वासन दिया गया, भाई 2 महीने और रुक जाओ हम करवा देंगे लाइट ना होने सर जी हुई। बच्चे 10th में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई जो 1900 अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था, इसके पहले जो चिमनी जलती थी उस चिमनी में टाइम पास कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई पे कोई असर पड़ रहा है? पढ़ाई रहा है सर, पूरा है सर, ऐसा चिमनी में कोई पढ़ाई होती है क्या? आज के नौजवान या कोई भी चाहता है कि हम बिना लाइट में अंधेरे में रहें, मच्छर वगैरह मलेरिया, मतलब इतना गाँव परेशान है, इतना दुखी है कि दिया के तले अंधेरा है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी रेलवे ग्राउंड पर स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह स्मृति में 8 विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आज इस आयोजन का विधिवत शुभारंभ भी किया गया, जिसमें कलेक्टर राजेश जैन ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। बता दें कि ये क्रिकेट टूर्नामेंट पिछले 25 वर्षों से अनवरत ही चलता आ रहा है। कम्युनिकेशन कैप्टन राहुल संजीव समर, मोनू ठाकुर, दीपक विश्वकर्मा, नितिन शर्मा, श्याम गोस्वामी, राहुल सैन, टेन्नू फिरोज खान, विशाल ठाकुर, और सामने दूसरी टीम हमारी बेहतरीन संभाल कर हुए यहाँ पर आराम से फेंक, तू अच्छी फेंक, जितनी तेज फेंकता है उसकी। राजीव समर की डिलीवरी अपनी करियर में बिल्कुल वापस जाते हुए, जब हमारे जिले का कलेक्टर रहता हो तो फिर जिले का क्या कहना भाई। बहुत केदार 3 ओवर में 55 सर्किल में ही इतना बड़ा फिगर गुना जीडीसी है, काफी बढ़िया लॉन्ग हिटर यह है गुना का धमाकेदार लेफ्टी। टूर्नामेंट को यादगार बनाते हमारे मित्र मंडल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका, शानदार आगे आकर्षण। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी रेलवे स्टेडियम को नाम है स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रघुवंशी स्मृति 8 विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ होने जा रहा है, और ये इस टूर्नामेंट का लगातार 25वां वर्ष है। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में हमें शहर की खेल प्रेमी जनता, रेल प्रशासन, जिला प्रशासन, नगरपालिका और जितने भी समस्त विभाग हैं और पूरे रेल परिवार की ओर से पूरा सहयोग मिलता है। मामा जी ने बताया हमारे संयोजक रविंद्र रघुवंशी ने कि जैसे 25वां साल इस टूर्नामेंट का लगातार, उसमें 8 विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट है, राज्य स्तरीय है, तो इसमें सभी टीमें भाग लेंगी, और अभी तक कुछ टीमों ने भाग लिया, अभी कुछ टीमों ने भाग नहीं लिया है, तो जिससे सभी टीमों से यही अनुरोध है कि जल्दी इस टूर्नामेंट में भाग लेकर टूर्नामेंट को सफल बनावें और सब खेल भावना का परिचय दें, और सब जनप्रतिनिधि और सभी विशेष सहयोग जो धन आर्थिक रूप से धार्मिक रूप से सब हम लोग सपोर्ट करते हैं, टूर्नामेंट में इनामें देते हैं, उसका भी हम तहे दिल से। का पहला दिन यहाँ पर आज सभी श्रद्धालु सुबह मंदिर पहुंचे। साल का पहला दिन सभी श्रद्धालुओं ने मंदिर से शुरुआत करने का निश्चय किया। इसी तारतम्य में हनुमान टेकरी पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आज दिन की शुरुआत ईश्वर की आराधना से करने के चलते सभी मंदिरों में भीड़ देखी गई। वहीं हनुमान टेकरी पे विशेष आयोजन भी रखा गया, जहां पर भीड़ इतनी थी कि संभाले नहीं संभल रही थी, फिर भी श्रद्धालुओं ने आराम से हनुमान जी के दर्शन कर आने वाले समय के लिए। वहीं सभी श्रद्धालु श्री हनुमान टेकरी पहुंचकर माथा टेका और आने वाले साल को शुभ बनाने के लिए ईश्वर से कामना भी की।
नव वर्ष की पूर्व संध्या पर हेरिटेज क्लब द्वारा जैस्तम चौराहे पर नशा मुक्ति अभियान के तहत दूध पिलाने का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल एसपी सत्येंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। वहीं हेरिटेज क्लब के द्वारा यहां पर बताया गया कि नशा किस तरह से जीवन को बर्बाद कर देता है, साथ ही ये भी बताया गया कि साल की शुरुआत दूध पीकर की भी की जा सकती है। सभी जन से विनम्र अनुरोध, कृपया कतारबद्ध होकर ले तो वो क्षण आ गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। मैं हमारे क्लब के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा बाहर निकल के व्यवस्थाओं को संभाल ले। रवि बलिया जी, अनिल भैया, थोड़ा बाहर आ जाए तो आप जल्द से जल्द अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और हमारे क्लब के कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे राघवेंद्र सोनी जी और उपस्थित गुना के प्रबुद्ध नागरिकगण, मीडिया के बंधुओं, नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करता हूं। और हेरिटेज क्लब, वास्तव में ये बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कभी भी कहीं भी हम लोग याद करते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। ट्रैफिक में इन्होंने मानवेंद्र सिंह के साथ मिलकर बड़ा अच्छा काम किया और ये बच्चे बड़े उत्साही हैं, हर एक पॉजिटिव कामों को इतने अच्छे ढंग से करते हैं। और ये इनका प्रयास आज भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन ये एक मैसेज बड़ा देना चाह रहे हैं। हमेशा जो थोड़ा सा संपन्न वर्ग होता है और थोड़े से वैसे लोग हैं, वो नव वर्ष को एक अलग ढंग से एंजॉय करते हैं और उसके कई दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। युवा पीढ़ी अलग ढंग से एंजॉय करती है, तैयारी करती है, और वास्तव में कहीं ना कहीं वो समाज के लिए और सबके लिए घातक होता है। तो इन बच्चों ने जो ये प्रयास किया है, मुझे ये लग रहा है इससे सब लोग प्रेरणा लेंगे। जैसे रोटरी क्लब होली जलाता है, सोनी जी होली जलाते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से ये आज इनका ये एक प्रयास है, पूरे गुना को एक मैसेज देगा और सब लोग इससे प्रेरणा लेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत बहुत आप वर्ष पे हम लोग हेरिटेज क्लब वाले हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दूध वितरण का कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सभी लोगों को दूध वितरण करते हैं और उन्हें एक संकल्प दिलाते हैं कि आपको आज से नशा नहीं करना है, जो लोग नशा करते हैं उनके लिए। और इसमें हमने एक हस्ताक्षर अभियान भी रखा है, जिसमें हर आदमी अपना हस्ताक्षर करके ये प्रण लेगा आज से कि मैं आज के बाद कभी नशा नहीं करूँगा। और यहाँ हमने एक प्रोजेक्टर लगाया है जिसके माध्यम से हम लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि नशा क्यों नहीं करना चाहिए, नशे से क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर को और हमारी सोसाइटी को। तो यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की, शहर की सभी लोग, पूरी जनता कभी भी नशे को हाथ ना लगाए, नशे को हम तुरंत छोड़ दें, और यही काफ़ी है हमारी। अच्छा, इसको लेकर आप आगे भी कोई मतलब मुहिम? हम नशा मुक्ति अभियान के तहत ये कार्यक्रम करते रहते हैं और इसके बारे में हमारे सचिव आपको बताएंगे कि क्या प्रोग्राम हम करते रहते हैं। टीम सिंधिया ने मनाया क्षेत्रीय सांसद ज्योतिराज सिंधिया का जन्मदिन। आज 1 जनवरी को श्री सिंधिया का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से टीम सिंधिया द्वारा मनाया गया। इस उपलक्ष्य में दिव्यांग छात्रावास पहुंचकर वहां पर बच्चों के साथ मनाया ये जन्मदिन। साथ ही बच्चों को गर्म कपड़े भी वितरित किए गए और उन्हें स्वल्प आहार भी दिया गया। वही टीम सिंधिया के दीपेश पाटी ने बताया कि साल की शुरुआत अच्छे कामों को करके ही की जानी चाहिए। आज यही सब जानते हैं, नव वर्ष प्रारंभ हुआ है, साथ ही हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जन्म दिवस भी है। इसी उपलक्ष्य में हमने आज दिव्यांग छात्रावास का स्कूल जो नानाखेड़ी में है, टीम सिंधिया की तरफ से एवं समस्त सदस्यों ने मिलकर दिव्यांग बच्चों को आज नाश्ता करा के और साथ ही ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े विस्तृत किए हुए हैं। और मेरा सभी से निवेदन है कि नव वर्ष का यह प्रारंभ हुआ है, नेक कार्य में अपना समय व्यतीत करें और ये साल सबके लिए मंगल में हो, ऐसी कामना हम सब बातें। जय हिंद, जय भारत। कौन सा संगठन है आपका? टीम सिंधिया। टीम सिंधिया ना? क्या नाम है आपका? दीपेश पाटनी, पार्षद, वार्ड क्रमांक 13। साथ
साल के पहले दिन छुट्टी होने के चलते आज सभी अपने परिवारों को लेकर पिकनिक स्पॉट पहुंचे। अधिकतर पिकनिक स्पॉटों पर आज भीड़ देखी गई। इसी के चलते गोपी सागर डैम पर भी बहुत भीड़ देखने को मिली। आलम यह रहा कि वहां पर ट्रैफिक जाम हो गया, लोगों को बामुश्किल रास्ता पार करना पड़ा, कई लोगों को तो बिना डैम घूमे ही वापस आना पड़ा। परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।